खुफिया सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी का अहम हिस्सा है, जिसका काम साइबर अटैक को अंजाम देना है। सूत्रों के मुताबिक भारत चीन के बीच बढ़ते विवाद के बाद चीन की तरफ से भारत साइबर अटैक हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी फर्म साई फर्मा ने भी दावा किया है कि भारत को सबक सिखाने के लिए चीन साइबर अटैक कर सकता है। चीन के निशाने पर भारत की मीडिया, फार्मा, टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हो सकती हैं। यही नहीं, भारत के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय पर साइबर अटैक हो सकता है। चीन की जो साइबर आर्मी है वो बेसिकली उनका काम होता है कि वो किस तरह से अपनी मेन आर्मी जो ऑन ग्राउंड फाइट करती है उसको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है कि कितनी लोकेशन, कितनी मात्रा में हमारे लोग बॉर्डर पर हैं, वो ये चीजें कैसे निकालते हैं, ये कोशिश किया जाता है, वो अटैक करते हैं हमारे जितने भी हायर लेवल ऑफ रैंक के जो अफसर्स होते हैं उनके फोन को टारगेट किया जाता है, उनके ईमेल को टारगेट किया जाता है। चीन के साइबर अटैक की आशंका उस वक्त जताई जा रही है जब ऑस्ट्रेलिया में साइबर अटैक हुआ है, जिसने ऑस्ट्रेलिया की पूरी व्यवस्था को ही हिला कर रख दिया। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिस ने चीन का नाम लिए बगैर उसे कटघरे में खड़ा कर दिया।